नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीम पाइपलाइन में दिए गए इन यू बैंड के बारे में। ये यू बैंड के बारे में इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी इंडस्ट्री में कोई ना कोई आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इस टॉपिक को पहले से ही क्लियर करके इंडस्ट्री में एंट्री मारें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में स्टीम की जो पाइपलाइन होती है वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक बिछी होती हैं, यानी 150 से 200 मीटर लंबी लंबे डिस्टेंस पे ये आपको स्टीम की पाइपलाइन बिछी दिखेंगी रैक के ऊपर। और इन स्टीम पाइपलाइन में इन यू बैंड को यानी एक्सपेंशन लूप को लगाया जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी स्टीम पाइपलाइन से स्टीम को पास करते हैं तो स्टीम के टेम्परेचर से क्या होता है, पाइपलाइन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। पाइप जो होती है वो मेटल की होती है, तो जब भी किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, उस मेटल में एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मतलब मेटल का साइज बढ़ता है, यानी अगर पाइप में से हम स्टीम पास करेंगे तो पाइप का साइज इंक्रीज होगा, और जब किसी मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसमें कंट्रैक्शन होती है, यानी उसका साइज कम होता है। तो यहां पे दोस्तों, अगर हम स्टीम की पाइपलाइन में ये यू बैंड यानी ये एक्सपेंशन लूप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, स्टीम की जो पाइपलाइन होगी उसका साइज इंक्रीज होने के कारण स्टीम की पाइपलाइन को डैमेज कर देगा। और जो स्टीम की पाइपलाइन रैक के ऊपर जो स्पोटों पे टिकी होती है तो वो अपनी स्पोटों से खिसक जाएगी और जितने भी उसमें क्लैंप लगे हुए हैं उन सभी क्लैंप को तोड़ देगी, यानी एक्सपेंशन लूप ना होने से स्टीम पाइपलाइन अपने आप को डैमेज कर लेगी। ये जो स्टीम पाइपलाइन की एक्सपेंशन होती है ये उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लंबी पाइपलाइन होगी उसके हिसाब से ही उसकी एक्सपेंशन होती है, और अगर उसकी जो लेंथ है वो कम है तो उसके हिसाब से उसकी जो एक्सपेंशन है वो कम होगी। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेंशन लूप होते हैं ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, एक लंबी लाइन में एक्सपेंशन लूप को 25 से 30 मीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाता है। एक 25-30 मीटर के डिस्टेंस पे लूप लगाया और दूसरा लूप फिर 25 से 30 मीटर डिस्टेंस पे लगाया जाता है। और जब स्टीम पाइपलाइन का टेम्परेचर बढ़ता है और उसमें जो एक्सपेंशन होती है तो ये लूप क्या करते हैं, उस एक्सपेंशन को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यानी ये जो लूप आप देख रहे हैं सामने, यानी ये जो यू बैंड आप देख रहे हैं, तो ये यू बैंड क्या होता है, जब एक्सपेंशन होती है तो ये ऊपर से अंदर की तरफ मूव करता है और उस जो पाइपलाइन में इंक्रीमेंट होता है यानी इंक्रीज होती है जो पाइपलाइन, उसको ये अब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी ये यू बैंड उस पाइपलाइन को डैमेज होने से बचाता है। तो ऐसे जितनी लंबी ज़्यादा लाइन होगी आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंशन लूप स्टीम पाइपलाइन में देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्टीम पाइपलाइन में ये जो एक्सपेंशन लूप लगाने का ये मेन पर्पस होता है। जब भी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।